बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप तमाम खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, और लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। लास्ट दो लेक्चर्स में जो है हम लोगों ने स्टडी किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो बेसिकली होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी बॉडी में लोकेशन क्या है, कितने हिस्सों में जो है उसको डिवाइड किया गया है, और क्या क्या उन तमाम जो फर्दर उनके स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँगा आप लोगों की याद दहाने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक पी शेप ग्लैंड है, और आपकी ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ अटैच होता है। दो फर्दर आगे लॉब्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है नेचुरली। वो दो लॉब्स जो हैं, एक इंटीरियर लॉब है और एक इसका एक्सटीरियर लॉब है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अंदर जो है सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होती है, और वो फर्दर आप आगे जो है अपना फंक्शन करती है। फिर हम लोगों ने वेसोप्रेसिन के हवाले से पढ़ा, हमने ऑक्सीटोसिन के हवाले से पढ़ा, हमने TSH के हवाले से पढ़ा, और उनके फंक्शंस भी देखे, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उनकी डिफिशेंसी या उनकी एक्सेस जो है बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। आज जो है हम लोग एक दूसरे ग्लैंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसे थायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। थायरॉयड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। बाकी तमाम जितने भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिस तरह एड्रीनल ग्लैंड है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है या कोई सा भी और ग्लैंड है, उन तमाम का जो है साइज एज़ कम्पेयर टू थायरॉयड ग्लैंड वो थोड़ा छोटा होता है। तो इस वजह से थायरॉयड ग्लैंड जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। अब इसकी लोकेशन क्या है, हमारी बॉडी में किस जगह पाया जाता है? तो थायरॉयड ग्लैंड जो है हमारे नेक रीजन के अंदर पाया जाता है। नेक रीजन में ये लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसमें लैरिंग्स, या फिर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बिल्कुल हमारी ओरल कैविटी जहाँ पर एंड करती है वहाँ पर लैरिंग्स आता है, लाइक दिस पार्ट। तो इसके बिल्कुल नीचे दिस एरिया इन आर नेक रीजन, यहाँ पर जो है इसके बैक साइड पर थायरॉयड ग्लैंड पाया जाता है। अब ये तो हो गई इसकी लोकेशन, अब वो इम्पॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है जो कि थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे तो दो हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन ज़्यादा जो अहम फंक्शन है वो थायरॉक्सिन का है। एक हार्मोन हो गई थायरॉक्सिन जो कि आपका थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी एक और हार्मोन है जो कि आपका थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ कैल्सिटोनिन। तो थायरॉक्सिन क्या चीज़ है? थायरॉक्सिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होती है आयोडीन की मदद से, और ये आयोडीन जो है आपको अपने फूड के ज़रिए मिलता है। सॉल्ट्स में एक बड़ी तादाद में पाया जाता है, और भी बहुत से मतलब आपके फूड कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। तो थायरॉक्सिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आयोडीन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब अगर किसी भी वजह से डेफिशिएंसी कॉज होती है थायरॉक्सिन की या आयोडीन की, तो एक इस तरह की बीमारी लाहक हो सकती है जिसे गोइटर कहते हैं। जिस तरह कि मैंने आगे ब्रैकेट में भी लिखा कि गोइटर इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर या आपके फूड के अंदर डेफिशिएंसी पाई जाती है आयोडीन की, तो आपको एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसे गोइटर कहते हैं। आम जुबान में उर्दू में जो है इसको गिल्लड़ कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता है क्या कि जब आपके फूड के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, किसी भी तरह की कमी है, तो उसकी वजह से ये बीमारी लाहक होती है। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा स्वेल करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। लाइक आप जो है इसके इंटरनेट पे मुख्तलिफ पिक्चर्स देख सकते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़, तो बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है। तो वो एक क्लियर सिम्टम होता है इस बीमारी का, जिसे गोइटर कहा जाता है। और गोइटर किस वजह से हो रही है? ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। क्योंकि आयोडीन नहीं होगी तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगी, और थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, और जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उसके अंदर अब नॉर्मेलिटी आएगी। वो स्वेलिंग की सूरत में भी हो सकती है, वो एनलार्जमेंट की सूरत में भी हो सकती है। दूसरी हम लोगों ने हार्मोन की बात की विच इज़ कैल्सिटोनिन। इसका जो काम है, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम बैलेंस इन ब्लड। अब कैल्शियम बैलेंस किस हवाले से बात हो रही है? आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, अगर तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है, तो कैल्सिटोनिन जो है इसकी प्रोडक्शन उस हवाले से मैनेज होगी, उस हवाले से बैलेंस करेगी, और जो कैल्शियम लेवल है आपके ब्लड के अंदर उसको मैनेज कर देगी। अगर किसी वजह से कैल्शियम की कमी होती है आपके ब्लड के अंदर, पहले तो मैंने कंडीशन वो डिस्कस की ना कि अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर कैल्शियम की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा बॉन्स के ऊपर, तो वो बहुत से बॉन डिजीज जो है वो कॉज कर सकती है। तो अगर किसी वजह से कैल्शियम की डिफिशेंसी हो रही है आपके ब्लड के अंदर, तो उसको भी कौन मैनेज करेगा? कैल्सिटोनिन। तो इसका सारा का सारा काम क्या है कि इसने बैलेंस करना है कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड के अंदर। दूसरा जो है, हम लोग वापस आते हैं थायरॉक्सिन पे। जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि थायरॉक्सिन जो है वो एक अहम हार्मोन है आपके इस पूरे के पूरे थायरॉयड ग्लैंड की।
तो थायरॉक्सिन के अगर हम लोग फंक्शन डिस्कस करें कि आपकी बॉडी के अंदर ये क्या क्या काम कर रही है, हमें एक बात तो पता चल गई कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये आयोडीन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन इसका ये है कि इसने जो है इंक्रीज़ करनी होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब ऑक्सीडेशन करनी होती है। ऑक्सीडेशन जो है आप लोग इसकी डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने चैप्टर 7 में भी डिस्कस किया, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो ऑक्सीडेशन जो है जब इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पर रिलीज़ ऑफ एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी उतनी ही ज़्यादा रिलीज़ ऑफ एनर्जी होगी और उतनी ही ज़्यादा फिर ग्रोथ ऑफ बॉडी जो है वो एनरिच होगी या उसको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो तीन तरह के फंक्शन हम लोगों ने थायरॉक्सिन के डिस्कस किए। सबसे पहला यह था कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, और जो ज़्यादा अहम था वो ये था कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विच इज़ ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी तो रिलीज ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ को भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टैंडर्डाइज या फिर एक जो आइडलाइज कंडीशन होती है उसको तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होता है कि उसमें किस तरह की अब नॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं इसका भी हमें पता होना ज़रूरी है। कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से थायरॉक्सिन की या बेशक कैल्सिटोनिन है, इन दोनों में से अगर हम लोग चलें सपोज़ थायरॉक्सिन की बात कर लेते हैं, तो थायरॉक्सिन की अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर या लेस प्रोडक्शन हो रही है लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, तो किस किस तरह के मसाइल जो हैं बॉडी के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन हम लोग स्टडी करेंगे विच इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हाइपो मीन्स लेस एंड हाइपर मीन्स मोर, ज़्यादा होना, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के जो मतलब हैं उसके नाम के अंदर छुपे होते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मीन्स लेस, थायरॉयडिज्म इसका क्या मतलब है कि वेन देर इज़ लो प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, जब आपकी बॉडी के अंदर लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रही है, तो इस कंडीशन को जो है हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ऑब्वियसली जब थायरॉक्सिन हम लोगों ने पढ़ लिया कि थायरॉक्सिन का क्या काम था कि इसने रिलीज़ करनी होती एनर्जी, तो जब थायरॉक्सिन जो है लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर यू विल डेफिनेटली हैव लेस एनर्जी, और साथ ही साथ जो है फिर एनर्जी कम होने की वजह से आपकी जो दिल की धड़कन है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, हार्ट बीट भी जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये तो कंडीशन थी व्हेन देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन। अब दूसरी कंडीशन ये है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर का क्या मतलब मैंने बताया कि ज़्यादा होना, ठीक है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, जब ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन या ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर आ गई है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यू विल हैव मोर एनर्जी, ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब मोर एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल या बेनिफिशियल चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती अच्छी नहीं होती। तो व्हेन यू हैव मोर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी तो आपकी बॉडी की जो हार्ट बीट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है, और साथ ही साथ शिवरिंग भी। तो ये तमाम कंडीशंस होती हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने की, कि आपका जो है ऑब्वियसली जब ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है शिवरिंग भी हो सकती है, ख़ासतौर पर हैंड्स पर होती है, हाथों पर, और साथ ही साथ जो है आपको पसीना भी आ सकता है। तो ये तमाम कंडीशंस ऐसी हैं, ये तमाम सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं जी। हम लोगों ने स्टडी किया एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, किस ग्लैंड को आज हमने स्टडी किया, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बारे में हमें पता चला कि दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, नेक रीजन में पाया जाता है बिलो लैरिंग्स, लाइक इन दिस एरिया, जो इम्पॉर्टेंट हारमोनी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन को आपका थायरॉयड ग्लैंड तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किसकी मदद से कर रहा है, आयोडीन की मदद से। अगर आपकी बॉडी में एक अच्छी अमाउंट पाई जाती है आयोडीन की, तो उसका मतलब ये है कि यू हैव इनफ थायरॉक्सिन फॉर ऑल दोज फंक्शंस, ठीक है। उसके अलावा इसकी जब भी डेफिशिएंसी होगी थायरॉक्सिन की या आयोडीन की, तो एक बीमारी लाहक हो सकती है जिसे गोइटर कहा जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, और इसमें होता क्या है कि जब आयोडीन पूरी प्रोड्यूस नहीं होती तो फिर आपको जो है बीमारी हो सकती है, जिसे इंग्लिश में गोइटर और उर्दू में गिल्लड़ कहा जाता है। और इसमें होता यह है कि अब नॉर्मल रिएक्शंस की वजह से आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा ग्रो कर जाएगा।
उसके बाद अगर हम लोग थायरॉक्सिन के फंक्शंस को डिस्कस करें तो हमें पता चला कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रहा है, जिसकी वजह से मोर रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, और ज़्यादा एनर्जी की वजह से जो है ग्रोथ ऑफ बॉडी भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। दो कंडीशन हम लोगों ने स्टडी की कि अगर थायरॉक्सिन जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम प्रोड्यूस हो रही है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, उसमें आपकी बॉडी में एनर्जी भी कम होगी और आपकी हार्ट बीट भी स्लो होगी। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने स्टडी की हाइपरथायरॉयडिज्म के, जिसमें ओवर प्रोडक्शन होती है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है थायरॉक्सिन की, उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट और स्वेटिंग और शिवरिंग और इस तरह के मामला हो सकते हैं। और एक और हार्मोन जो कि कैल्सिटोनिन है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी बैलेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड। तो ये तमाम चीज़ें थी जी थायराइड ग्लैंड के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। एक बात जो मैं लाजमी तौर पर यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि इसके हवाले से अगर किसी भी तरह के नोट्स की आपको ज़रूरत पेश आती है तो वह इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आपके गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि अदर देन ऑल दीज पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा समझने में भी मदद करेंगे और आपके पेपर अटैम्प्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप लोग उसी में नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।